पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि सुशील मारपीट के दौरान घटनास्थल पर मौजूद थे। ये घटना मंगलवार और बुधवार को दरमियान रात को छत्रसाल स्टेडियम में घटी। घटना में कई पहलवानों द्वारा बेरहमी से पीटने के कारण 23 साल के एक पहलवान की मौत हो गई। रेसलर सुशील कुमार को पकड़ने के लिए दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों में छापेमारी की जा रही है। छत्रसाल स्टेडियम में हुए झगड़े और मारपीट पर हत्या के मामले में दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने सोमवार को लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। इस मामले में सुशील कुमार के अलावा 20 अन्य आरोपियों को भी तलाश की जा रही है। छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानों के दो ग्रुप में मारपीट हो गई थी, जिसमें 23 साल के सागर राणा की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने कहा कि यह झड़प मॉडल टाउन इलाके में एक फ्लैट को खाली कराने को लेकर हुई थी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि बीजिंग ओलंपिक में कांस्य और लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले सुशील कुमार भी इस मामले में नामजद हैं। दिल्ली NCR क्षेत्र के अलावा पड़ोसी राज्यों में इनकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि पीड़ितों के आरोप लगाया है कि सुशील घटना के समय घटना स्थल पर मौजूद थे। ये घटना मंगलवार और बुधवार के दरमियान रात को छत्रसाल स्टेडियम में घटी, जिसमें कथित रूप से अन्य पहलवानों द्वारा बेरहमी से पीटने के कारण 23 साल के पहलवान की मौत हो गई, जबकि उसके दो साथी घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक सुशील, अजय, प्रिंस, सोनू, सागर, अमित और अन्य के बीच पार्किंग क्षेत्र में झगड़ा हुआ। इसके बाद पुलिस ने मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता और शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। CCTV के आधार पर कार्रवाई मामले में पुलिस ने CCTV फुटेज जब्त कर लिया। फुटेज के आधार पर कई लोगों की पहचान भी की गई। इसी के साथ पीड़ितों के बयान और पूछताछ में भी कई लोगों की मौजूदगी का पता चला है। अब तक हुई जांच के बाद पुलिस पहलवान सुशील समेत 20 लोगों की तलाश में जुटी हुई है। लोकेशन निकालने में पुलिस जुटी हुई है और जांच में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं पुलिस उनकी लोकेशन निकालने में जुटी। घटना के समय कौन कहां था इसके सभी लोगों की कॉल डिटेल भी निकलवाई जा रही। सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस कई जगह छापेमारी कर रही है।